हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म मैथमेटिक्स पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 के साइंस के पेपर के एमसीक्यूज, जिसमें मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यू बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे हमारे क्वेश्चन पेपर में, तो देख लीजिए। इसमें सबसे पहले फिजिक्स का है, आदर्श प्रश्न पत्र एक है जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ फिजिक्स के। तो फिजिक्स में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, ये संभवतः दर्पण कैसा है। तो हमें बताना है कि वो दर्पण कैसा है। तो देखिए, हमें बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो केवल समतल या केवल अवतल, केवल उत्तर इसमें है, और या तो उत्तल या तो समतल। तो देखिए, इसमें है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि समतल और उत्तल इन दोनों दर्पणों में हमारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, उसके बाद है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि जो I है, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है। V यहाँ पे है 1.5, R यहाँ पे 3 दिया हुआ है। जब इसका पॉइंट हटा के इसे काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 0.5। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परिवर्तन हमारा अपवर्तन जो है कॉर्निया पर ही हो जाता है, क्योंकि कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। उसके बाद एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न क्या करता है, एक गतिमान आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश ये भी सही है इसका, मतलब प्रकाश है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ये भी सही है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है ये भी सही है, लेकिन प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही थे, मतलब इसमें ये गलत था, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाने वाले, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, हमें संख्या बदल सकते हैं, पर हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। तो देखिए, हमें निकालना आवेश की मात्रा, हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, और क्यू बराबर आई इंटू टी होता है आई 2 एम्पियर की धारा है, सेकंड 2 दे रखा है तो 4 हो गया, तो इसका आंसर कुलाम में आता है, तो 4 कुलाम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये देखिए ये क्या है, जीवाश्मी ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, जीवाश्मी ऊर्जा का स्रोत से इसका मतलब है कि कौन सा इसमें जीवाश्मी ऊर्जा है, तो जीवाश्मी ऊर्जा होते हैं हमारा कोयला। ठीक है ना, कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीनकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट है उपखंड है, जिसमें हम रसायन के देखने वाले हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है Fe2O3+2Al और Al2O3+2Fe। तो देखिए, Al तो यहाँ पे आ गया के पास, और Fe ने Fe को प्रतिस्थापित कर दिया, तो जो ये अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया हुई, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, ना तो ये संयोजन है, ना वियोजन, ना द्विविस्थापन है। ठीक है, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीकरण परत कहलाती है। अब देखिए, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीकरण की परत करना क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। दांत के एनामल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षार की। ठीक है, क्षार की प्रकृति इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे मुंह की लार है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, तो उसे कम करने के लिए क्षार के, ठीक है ना, प्रयोग करते हैं उसका। प्रोपेन का सूत्र क्या है, ठीक है, प्रोपेन, एथेन, मेथेन और प्रोपेन, तो C3 हो जाएंगे उसमें, और सिंगल होता है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है सिंपल वालों का, C2 मतलब CN और H2N+1, है ना, प्रोपेन एन वालों का ही होता है। तो अगर यहाँ 3 है तो 3 × 6 = 8, तो इसका फॉर्मूला ये है, और इसका आंसर C3H8 हो जाएगा, एथेन, मेथेन, प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम पूछी गई है, तो इसमें पूछा गया था ना कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किसकी है, तो इनमें विद्युत ऋणात्मकता सबसे पहले क्या होती है कि विद्युत, देखो यहाँ तो सबसे कम पूछा गया है, किसी में पूछ सकता है सबसे ज्यादा, तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है कौन कितने जल्दी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसमें से सबसे कम क्या होगी, किसकी हो जाएगी, Na की, क्योंकि Na तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, क्या करता है, त्याग करता है इलेक्ट्रॉन का, तो Na की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा
प्रवाहित हो रही है 2 सेकंड में, इसमें भी सेम सेम यही हो जाएगा, ये तो पिछला ही रिपीटेड आ गया इसमें, इसमें पेपर में तो नहीं ऐसे आएगा लेकिन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें बायोलॉजी के आप क्वेश्चंस देख लो एक बार, मैं बायोलॉजी के दिखा रहा हूँ इसमें, ये बायोलॉजी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री कराऊंगा इसमें आपको, बायोलॉजी के आप क्वेश्चंस देख सकते हैं इसमें से। अब देखते हैं आदर्श प्रश्न पत्र 2 के, इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ठीक है, एक ही वीडियो में सारी बता दूंगा आपको कौन कौन से थे। अभी इसमें बताया हुआ है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो देखो जितना भी छोटा अक्षर हमें पढ़ना है उसके लिए हम ज्यादा फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे ठीक है। बड़ा लेंस देखना मतलब किसी भी अक्षर को बड़ा देखना है उसके लिए लेंस का प्रयोग होगा और उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और उसकी फोकस दूरी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम जानते हैं क्या है, एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है, हम जानते हैं स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है, अनंत लंबाई के रिजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, देखो उसके लिए सूत्र क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2πI/R, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या, ऐसा हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, यदि आर प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, देखिए ऐसे कुछ ऐसे जोड़ना है, देखो ये आर प्रतिरोध के 2 हमने जोड़ दिए समांतर क्रम में, उसके बाद 1 प्रतिरोध इनके आर प्रतिरोध इनके किस में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ दिया जाए ठीक है ना। तो उसके बाद ये कह रहा है कि परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, तो देखो सबसे पहले इन्हें जोड़ेंगे, तो जब भी समान जो समान प्रतिरोध हो तो समांतर क्रम में जुड़े हुए तो उनका तुल्य प्रतिरोध हो जाता है R/2, मतलब आधा हो जाता है ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। अब ये जो आर है इसका श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो 2, ये 3 आर बटे कितना हो गया 2, तो इसका आंसर 3R/2 हो जाएगा ठीक है ना। डायनोमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल, डायनोमो जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट रसायन देख लीजिए, अब रसायन के क्वेश्चंस आ गए। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, मतलब अम्ल में जो हाइड्रोजन होगी उसे कौन विस्थापित करेगा, उसमें विस्थापित करने वाला धातु है हमारा जिंक ठीक है। नेक्स्ट है जस्ता, जस्ता धातु जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकाल लेगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा ठीक है। नेक्स्ट है पाचन के दौरान जठर रस की पीएच होती है, तो जब हम पाचन के दौरान जब खाना खा लेते हैं उसके बाद पाचन के दौरान जो जठर रस निकलता है उसकी पीएच 7 से कम होती है, मतलब अम्लीय होती है वो ठीक है। साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में जल रागी शीर्ष होता है तथा जल विरागी पूंछ होता है ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, मैंने अभी पीछे बताया था कि उसमें पूछा गया था विद्युत ऋणात्मक कम क्यों है ना, इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन अधिक है, तो अधिक इसमें कौन सा है हमारा, ये मैं इसका जो आंसर है वो है Br, ब्रोमीन ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक है हमारा यूरिया ठीक है, यूरिया सर्वप्रथम बनाया गया था इसमें, आप जीव विज्ञान के देख लो फिर से ठीक है, इन्हें आप अपने मॉडल या जहां भी कॉपी में है ढूंढ के लगा सकते हैं यहाँ ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब तीसरा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आदर्श प्रश्न पत्र 3 विज्ञान कक्षा 10 ठीक है। देखो 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, उसमें तुम्हें ऑप्शन में अपने कम से कम आधा घंटा लगाना है, पर तसल्ली से करना है, सारे जो भी आपके ऑप्शन हैं उन्हें ढंग से करके आना है। तो इसमें देख लेते हैं भौतिक विज्ञान के क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं, तो एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है, अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी सीधा व छोटा, जो इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से आभासी सीधा व, चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा फिर। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा, प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है 1.6×10⁻¹ कूलाम प्लस के ठीक है। नेक्स्ट है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है, तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, और दूर मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम तो हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर, और दूरबिंदु क्या होता है, दूरबिंदु होता है अनंत, जो कि इसमें नहीं है खैर, वो हमारा भी पीछे क्वेश्चन आया था उसमें हमने देखा था। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं होती है, सदैव समांतर होती है चुंबकीय बल रेखाएं, ना तो एक बिंदु पर मिलती ना काटती है ना परस्पर ही काटती है ठीक है। उसके बाद है वक्ता त्रिज्या का मात्रक होता है, देखो वक्ता त्रिज्या क्या है, एक दूरी है लंबाई है ठीक है, तो उसका मात्रक मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध लिया एक आर का के किसी तार के 5 टुकड़ों को बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का मान निकालना है, तो इसे कैसे करेंगे, देखो
पांच प्रतिरोध ले लिया आपने आर बाई फाइव, ये ऐसे करके पांच बराबर भागों में बांट लिया इन्हें, ठीक है। अब इन सबको समांतर क्रम में जोड़ना, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इनके सबके ऊपर ऐसे वन अपॉन है ना, वन अपॉन ऐसे करके जोड़ेंगे इन सबको, तो वन अपॉन करके जोड़ेंगे तो पांच ऊपर चला जाएगा सबका, तो पांच ऊपर चला जाएगा, आर एलसीएम हो जाएगा, आर एलसीएम पांच ऊपर है, जब एलसीएम समान होता है तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे है वन अपॉन आर डैश, ठीक है, ये आर डैश इसका तुल्य प्रतिरोध है, तो ये आर यहाँ चला जाएगा, आर अपॉन आर डैश बराबर कितना हो गया 25, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। अब विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति हमारी कहलाती है जनित्र, ठीक है। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, लेड नाइट्रेट। अब शुद्ध जल का पीएच मान क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है 7, ना वो क्षारीय होता है ना वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो ठंडे जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्या करती है हाइड्रोजन गैस निकालती है। देखिए इसको देखिए, CH3 CH2 CHO का नाम है, इनमें से कौन सा नाम है, देखो सबसे पहले समूह पहचानना आना चाहिए, समूह पहचानना CHO है, तो जो CHO है वो किसका है एल्डिहाइड समूह का, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है नल, तो ना इसमें क्या हो जाएगा एथमेथ प्रोप, तो प्रोपेन नल इसका आंसर हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड होता है जो अम्लीय अम्लीय जैसा अम्लीय भी और क्षारीय भी हो, ठीक है, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। Al2O3 ये एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल इसका ZnO, ठीक है, ये भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है, तो असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो देखिए एथेन ये भी नहीं है, मैथेन इसमें भी एन है ना, एन की आवाज आ रही है, तो ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, है ना। एथिल एल्कोहल ये तो एल्कोहल वाला हो गया, एथिलीन है ना लीन, तो ये हो गया, इसमें आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा एथिलीन वाला, इसमें हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, तो इसलिए कौन सा हो गया ये हमारा असंतृप्त यौगिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जीव विज्ञान के, आप देख लो, और अभी इसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला पेपर है इसके जरूर देख के जाने आपको, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है, जो नेक्स्ट वाला भी मैं करवाने वाला हूँ। चलिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया उसे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जरूर। तो देखते हैं, देखिए इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन, पहले वाला है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो ये पीछे भी हमने पढ़ लिया, स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर इसका होता है। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है, ठीक है, वोल्टता मतलब वी, वी को कौन सा निरूपित करता है, तो देखिए इसमें क्या है इसका आंसर जो है डब्लू बराबर क्या होता है डब्लू बराबर वी आई टी, ठीक है, तो वी बराबर क्या हो जाएगा डब्लू अपॉन आई टी, ठीक है, डब्लू अपॉन आई टी हो जाएगा। अब इसका आंसर कौन सा होगा, फिर इस हिसाब से किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणा समय, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है जब निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है, तो अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखी हो, ठीक है, फोकस दूरी और वक्ता केंद्र के बीच में रखी हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, किसी जो कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर कोई विद्यार्थी बैठा हुआ है तो वो शाम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता, तो जब हम पास की वस्तु नहीं पढ़ पाते और दूर की पढ़ पाते हैं तो हमें कौन सा दोष होता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है, तो इसे दूरदृष्टि दोष है, तो इसलिए विद्यार्थी के नेत्र का जो निकट बिंदु है वो उससे दूर हो गया है, तो उस विद्यार्थी का निकट जो बिंदु है वो दूर हो गया है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, अभी पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांच प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का प्रयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, तो अगर हमने निम्नतम प्रतिरोध बनाना है ना तो इसका मतलब हमें इन्हें काहे में जोड़ना पड़ेगा, हमें इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो जब हमने समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/5 को जब आप ऐड करोगे तो वो किस तरीके से ऐड होगा, देखिए कैसे ऐड होगा, ये रहा 1/r बराबर 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 पांच बार ऐसे लिख लेंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ तो 1/5 था, है ना, 1/5 था, लेकिन वो जो ये 1/5 है जब आप इसे ऐसे लिखोगे ना ऐसे करके r है ना, ये हमें कैसे लिखना पड़ता है इसके 1/r करके, है ना, तो जब आप ऐसे लिखोगे 1/1/5
इसको इस तरीके से लिखा है ना, तो ये फाइव कहाँ पे चला गया, ऊपर, तो ये बन गया पांच पौने एक। तो जब इन्हें पंचों को जोड़ा तो 25/1 आ गया। अब 25/1 को जब वन अपन आर को उल्टा किया, मतलब आर की वैल्यू निकल ली क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे यहाँ पे, तो यो आ गया आर बराबर 1/25। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया, 1/25। ठीक है, निम्नतम प्रतिरोध हम 1/25 बना सकते हैं इनका प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखो इसमें क्या है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में किसी स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। तो हमें उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर कहाँ पे होगी वो बताना। देखो ये चित्र दिया हुआ है, इसमें धारा इधर से इधर की ओर जा रही और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर को कहाँ पे होगी वो बताना है। तो इसमें देखो अगर मैं कौन सा नियम लगाऊं, पैच मापी का नियम लगाऊं, तो पैच मापी का नियम ऐसे, जब हम एक ऐसे लगेगा पैच मापी का नियम यूं, क्योंकि धारा तो इधर को जा रही है, तो धारा जिधर को जा रही है उधर को पैच मापी का नियम लगाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो होगा तो वो कागज के तल में तार के ऊपर, तार के उत्तर में स्थित हो जाएगा वो बिंदु। ठीक है, जब हम उसे ऐसे करेंगे ना, ऐसे घुमाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो हम जानते हैं देखो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनता है, फोकस दूरी पे बनता है, और वो अत्यधिक छोटा ही बनता है। तो इसलिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तर, ये सब इसके है ना, इसका तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु देखो, तत्व एक मिश्र धातु नहीं है, यौगिक भी नहीं होता वो, है ना, समांगी मिश्रण हो सकता है वो, विषमांगी मिश्रण नहीं होता। जैसे पीतल है तो पीतल में है ना एक समांगी मिश्रण है वो। ठीक है, तो मिश्रातु क्या होता है, एक समांगी मिश्रण। नेक्स्ट है कि निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान कीजिए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो देखो एक तो बी में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, और एक डी में, बी और डी में डबल बॉन्ड है। तो इसमें देख लेंगे बी और डी कहाँ है, बी के अंदर ही बी और डी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको देखो, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखना जरूर। ठोस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, चूने के पानी बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है। ये बताना है कि इनमें से जो ऊपर अभिक्रियाएं हुई हैं उनमें कौन सत्य है। तो देखो जब चूने को बुझाते हैं तो वो अभिक्रिया कैसी होती है, उष्मा छेपी यानी उसमें उष्मा निकलती है, शोषणीय है, उष्मा निकलती है। तो एक तो यह हो गया कि यह एक उष्मा छेपी अभिक्रिया है। दूसरा, परिणामी विलयन को पीएच 7 से अधिक होती है, परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होती है, इनमें से बताना है कोई एक होगा। तो देखो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। तो क्षारीय, क्षार की जो होती है वो पीएच मान 7 से अधिक होती है। तो इसका जो आंसर होगा बी सी, बी सी होना चाहिए उसके अंदर। तो बी के अंदर ही क्या है, बी और सी है। तो इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट, एक परमाणु की परमाणिक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। तो ये चार दिए हुए हैं आपको, परमाणिक त्रिज्या बतानी है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, या तो दो निकटतम इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, या फिर केंद्र से सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ये होता है। तो इसमें कहाँ, बी मतलब तीसरे और चौथे में ही दिखाया गया है ऐसा। तो तीसरे और चौथे में इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, सी वाला है ना, सी इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा चौथा जिसमें है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। इसमें बताया गया है कि जो कॉलम ए में दिए गए सभी रासायनिक पदार्थों का सम्मेलन करना है बी में। तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। बेकिंग सोडा क्या है, प्रतिअम्ल है। धावन सोडा किस काम में आता है, कांच का विरेचन करने में। और सोडियम क्लोराइड H2 और क्लोरीन बनाने में होता है। तो इसमें हम चेक कर लेंगे हमारा, इसमें सारे कौन से में आ रहे हैं, ये हमारे तीसरे वाले ऑप्शन में आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें आपको एक बार बायोलॉजी के भी दिखा देता हूं मैं, ये इसके बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, आप इसके बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी कर लीजिए। ठीक है, ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे इसके ऑप्शन। अब इसी प्रकार की जो मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ इसमें आगे, ये जो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से खंड बह में वर्णनात्मक जो क्वेश्चन होंगे है ना, उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ।
तो स्टूडेंट इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारी बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को अभी से करना शुरू कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकें साइंस के, क्योंकि जस्ट इसके बाद कल सुबह एक नई वीडियो आने वाली है जिसमें बताया जाएगा कि आपको क्या क्या और प्रैक्टिस करनी चाहिए किन क्वेश्चन की, वो सब आपको देखना है। तो जुड़े रहें M4M मैथमेटिक्स के साथ। धन्यवाद।